We have seen in the previous simple example of financial planning that every element of balance sheet and income statement moved in relations with the sales. But that is not the actually case. We know that there are certain items that are subject to the managerial decisions. Like. डेट लेवल क्या होगा डिविडेंड का कैश पे आउट क्या होगा एक्टी का लेवल क्या होगा और डेट के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट का प्रोपोर्शन क्या होगा ये वो डिसीजंस हैं जिनका ताल्लुक बरह रास्त सेल्स के साथ नहीं है रादर दीज आर द डिसीजंस दैट हैव टू बी टेकन बाय द मैनेजमेंट अपार्ट फ्रॉम द सेल्स लेट अनादर एग्जांपल इस एग्जाम्पल में हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की आइटम्स को दो हिस्सों में तकसीम किया है एक ग्रुप वो है जो सेल्स के साथ मूव करेगा और एक ग्रुप वो है जो सेल्स के साथ मूव नहीं करेगा द परपज़ ऑफ दिस क्लासीफिकेशन इज़ टू डिटर्मन द वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीडिड इन ऑर्डर टू सपोर्ट द ग्रोथ इन इनक्रीज सेल्स there are certain assumptions we will be using in our percentage to sales approach like sales would be increased by 25% total asset would continue in relation of the sales at 80% let's see the current income statement sales $1000 cost $800 and taxable income $200 34% tax rate and net income after taxes $132 ये 132 सौ डॉलर जो हैं ये सेल्स का तेरह अशारिया दो फीसद है डिविडेंड पे आउट इस वन थर्ड ऑफ दिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रिमेनिंग टू थर्ड हैज बीन रिटेन्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स वे हैव प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट एंड इन दिस प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट नेट इनकम इज हंड्रेड एंड दिस इज अगेन इक्वल टू थर्टीन ऑफ द नेट सेल्स दन थर्ड ऑफ दिस Net income after tax has been paid as, as cash dividend, which is $55, and the $110, which is two thirds of the net income after tax, has been retained and transferred to retained earnings. On the screen, you can see that in the asset site, there has been developed a relation of every item with the sales. Misal ke par, cash सेल्स के सोलह फीसद के बराबर है अकाउंट्स रिसीवेबल सेल्स के चवालीस फीसद के बराबर है सिमिलरली फिक्स्ड एसेट्स सेल्स के एक सौ अस्सी फीसद के बराबर हैं इन दिस वे इफ वी सी द टोटल एसेट्स सो दिस कम्स टू थ्री हंड्रेड परसेंट ऑफ द टोटल सेल्स दिस थ्री हंड्रेड परसेंट इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल इंटेंसिटी रेशो बाई कैपिटल इंटेंसिटी रेशो वो मीन अमाउंट इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट्स इन ऑर्डर टू जनरेट वन रुपी सेल्स मिसाल के तौर पर कैपिटल इंटेंसिटी रेशो हमें ये बताती है कि एक रुपये की सेल्स को जनरेट करने के लिए हमें कितने गुना ज़्यादा एसेट्स रखना पड़ेंगे ये थ्री हंड्रेड परसेंट रेशो हमें ये बताती है कि एक रुपए की सेल को जनरेट करने के लिए आपके पास तीन रुपये के एसेट्स होना ज़रूरी हैं लाइबिलिटीज़ साइड पे हम ये देखते हैं कि सिर्फ अकाउंट्स पेएबल एक ऐसी आइटम है जिसका सेल्स के साथ रिलेशन डेवलप किया जा सका है और वह थर्टी परसेंट है अकाउंट्स पेएबल को हम दूसरे लफ्जों में स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो बिजनेस ऑपरेशन के दौरान जनरेट होती है अदर लाइबिलिटीज लाइक नोट्स पेएबल लॉन्ग टर्म डेट कॉमन स्टॉक And retained earnings. These are the four liabilities that have no relation with the sales. In fact, these are the items that the level of those would be set by the management. Now, we see that with the increment of 25% in the sales, total assets would be required by $750. सो सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर्स वुड बी रिक्वायर्ड इन द लाइबिलिटी साइड टू मेक द बोथ साइड इक्वल अब हम ये देखते हैं कि अकाउंट्स पेएबल को हमने ट्वेंटी फाइव परसेंट से इनक्रीज कर लिया लेकिन हम नोट्स पेएबल लॉन्ग टर्म डेट ऑनर्स एक्विटी और, और रिटेन अर्निंग्स को ट्वेंटी फाइव परसेंट से इंक्रीज नहीं कर सकते हाँ रिटेनड अर्निंग्स के अंदर हम एक सौ दस रुपये की रिटेन्ड प्रॉफ़िट को अगर ऐड करें तो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस इंक्रीज होकर ग्यारह सौ दस डॉलर्स पर पहुंच जाता है जिसके नतीजे में हमारी लाइबिलिटीज साइड का टोटल एक सौ पचासी रुपये से इंक्रीज कर सकता है हंड्रेड एंड एट्टी फाइव डॉलर्स के साथ दिस मीन्स that we need further amount of 565 dollars in order to make the both sides of this balance sheet equal now question arises how to get this 565 dollars the management has two options either to increase debt or to raise equity डियर स्ट्रेंड्स इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग दर्फॉर्मा बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट दर इज अंपल मॉडल विच कैन बी यूज इन ऑर्डर टू डिटर्मन द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीडिड ना एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीडिड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वाज फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डॉलर दैट दम नीड्स इन ऑर्डर टू मेक द बैलेंस शीट साइट्स इक्वल इस फार्मूले के अंदर हम ये देखते हैं कि इस फार्मूले के तीन पार्ट्स हैं प्रोजेक्टिड इनक्रीज इन सेल्स स्पॉन्टेनियस इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड प्रोजेक्ट रिटेंशन इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीडिट की वही वैल्यू यूज कैलकुलेट कर सकते हैं पैंसठ डॉलर पर जो हमने प्रफार्मा बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की मदद से कैलकुलेट की थी नाउ द क्वेश्चन अगेन अराइज दैट पाँच सौ पैंसठ डॉलरस को किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं हमारे पास इसकी दो ऑप्शंस हैं नंबर वन इन वेदर टू टू रेस डेट एंड नंबर टू वेदर टू रेस एक्विटी ना एक्विटी रेस करना फर्म के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है एक रीज़न दूसरी रीज़न ये है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स न्यू एक्विटी रेस करने के ना तो हक में होंगे और ना ही नई एक्विटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे क्योंकि इसके नतीजे में उनकी अर्निंग्स डाइल्यूट हो सकती हैं इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी इसका फ़ैसला मैनेजमेंट के पास है देर आर सर्टन सनेरियोज हम एक सैनैरी यूज़ करते हैं जिसके अंदर डेट को एज अ प्लग यूज़ किया जा सकता है वो सी डेट प्रीवियस एग्जाम्पल में हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस जो कि नेटवर्किंग कैपिटल कहलाता है वो 800 सौ डॉलर्स था अगर हम प्रोजेक्शन के बाद भी 800 सौ डॉलर्स का नेटवर्किंग कैपिटल रिटेन रखना चाहते हैं तो हमें इस सिलसिले में कुछ अमाउंट करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगी और कुछ अमाउंट लॉन्ग टर्म डेट से हासिल करना होगी इसका मतलब ये है कि हम नोट्स पेबल के अंदर मैक्सिमम 225 डॉलर्स का इंक्रीज कर सकते हैं और बकिया 340 डॉलर्स हम लॉन्ग टर्म डेट से हासिल करेंगे जिसके नतीजे में हमारी एक्विटी के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी और हमारा टोटल डेट पाँच डॉलर से इंक्रीज़ हो जाएगा एंड दिस इंक्रीज वुड इक्वलाइज द लाइबिलिटीज साइड ऑफ द एसड साइड डियर स्टूडेंट्स नोट दैट देर इज नो पर्टिकुलर स्ट्रेटी दैट 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 मे बी फिट फॉर द एवरी कंसर्न देर आर अदर सिनारी लाइक करंट रेशो टोटल डेट रेशो एंड अदर सर्टन वेरिएबल्स दैट the management should consider in order to to be comfortable with the debt level